बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से। बता दें कि मोढ़नपुर तहसील के बड़े बकायेदारों के घर राजस्व विभाग की टीम के साथ तहसीलदार मोढ़नपुर शक्ति प्रताप सिंह और नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह द्वारा अतरौलिया नगर पंचायत समेत अन्य स्थानों पर बकायेदारों के घर वसूली की प्रक्रिया की गई। मोढ़नपुर तहसील के बड़े बकायेदारों जिन्होंने अभी तक अपना बकाया नहीं जमा किया उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जमीन कुर्क करने की भी प्रक्रिया की जा रही है। इस संदर्भ में तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह ने बताया कि तहसील में राजस्व वसूली का पहले से ही प्रावधान है, जिसके अंतर्गत बकायेदारों की वसूली के लिए तहसीलों में आरसी भेजी जाती है और बकाया वसूल किया जाता है। पिछले काफ़ी समय से लोगों से वसूली का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा समय समय पर पैसा जमा न करने के साथ ही हीला हवाली किया जाता है। इन लोगों की जमीन नियमानुसार वसूली की कार्रवाई करते हुए कुर्क करके लोगों से वसूली की जानी है। तहसीलदार मोढ़नपुर शक्ति प्रताप सिंह ने बताया कि कई व्यक्तियों से जिनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई भी की जा रही है। पूरे मोढ़नपुर तहसील में 13,08,00,000 का बकाया है, जिसके संदर्भ में 2-3 दिनों में जमीन की नीलामी की जाएगी। जो भी बकायेदार हैं बैंकों में योजनाएं चल रही हैं वह संपर्क कर या विद्युत विभाग से संपर्क कर पैसा तुरंत जमा करा दें, किसी प्रकार का बकाया न छोड़ें। जो भी आरसी तहसील में आई है वह कई वर्षों की पुरानी है जो अभी तक जमा नहीं हुई है। इस समय राजस्व वसूली की बहुत ही दयनीय स्थिति है, इसीलिए कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। वैसे देखिए ऐसा है कि तहसील में राजस्व की वसूली का पहले से ही प्रावधान है, सभी लोग जानते हैं, जिसमें जो लोग बकायेदार होते हैं उनकी वसूली विभागों द्वारा आती है आरसी तहसीलों में, उसको वसूल किया जाता है। तो पिछले कई समयों से यहाँ पे वसूली के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किया गया, लेकिन लोगों द्वारा समय समय पर पैसा ना जमा करके बल्कि यहाँ वहाँ हिला हवाली की गई है। तो उसमें वसूली की कार्रवाई के तहत इन लोगों की ज़मीनें नियमानुसार कुर्क करके इन लोगों से ज़मीनों की कुर्की की जा रही है और व्यक्तियों से जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। उसमें ये नीलामी की प्रक्रिया के पहले होता है कि भूमि एसडीएम साहब के आदेश से कुर्क की जाती है और कुर्क लगा करके जमीन को चिन्हित किया जाता है और उसकी साफ सूचना की है ताकि आगे नीने वाली नीलामी ज्यादा से ज्यादा भाग लें और उन्हीं का पैसा तनी की आरसी होती है, तनी आरसी में जमा कर दी जाती है। अगर नहीं एक्सेस होती है तो उतने पैन के जमीन उनको दे देता है। अपने क्षेत्र में मोढ़नपुर तहसील में कितना है लोगों का पिछले, यहाँ पूरे मोढ़नपुर तहसील में 13,08,00,000 की बकाया है पूरी तहसील का, और पिछले 2-3 दिनों करीब लोगों ने 12 लोगों की जमीन दी है जिनकी आने वाले समय में नीलामी की जाएगी। और आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं जितने भी बकायेदार हैं वो शीघ्र पैसा जो भी बकाया है, कई बैंकों में सेटलमेंट योजनाएं चल रही वहाँ संपर्क करके विद्युत विभाग संपर्क कर पैसा तुरंत जमा कर दें और उसको किसी प्रकार का बकाया नहीं, अन्यथा किसी ने कुर्की नीलामी हो गया अगर पैसा जमा कर दिया तो उसकी फिर वापस होगी, पैसा करेंगे तो उनकी फिर डिमांड कार्रवाई करते उनकी जमीनें वापस। कोई टाइम कब तक जमा करना है कुछ ऐसा कुछ? जितना जल्दी अपना जमा कर चुकी, जितने भी यहाँ पे आरसियां हमारे आई हैं वो कई सालों से पुरान चुकी हैं, कोई 2000 से है कोई 2012 से है, इसलिए के जो समय है 1 महीने के अंदर आप जमा कर देंगे, लेकिन वो पूरा बहुत पार हुआ है उसका कोई समय इन लोगों के पास बचा हुआ है। राजस्व वसूली की बहुत ही दयनीय है, इसलिए इस पे ये लगातार कार्य की जा रही है और ये कार्य लगातार चलती भी। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।